मीरापुर सीट पर सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज। जयंत चौधरी हैं साइलेंट, नहीं दिख रहे वायलेंट। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में सपा की एक चिट्ठी से मचा घमासान, अखिलेश अपनी मांग पर अड़े। जयंत ने क्या अखिलेश को दिया मौन समर्थन? आखिर ऐसा क्या हुआ? बीजेपी अग्रेसिव है लेकिन आरएलडी खामोश। दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम वफा कर भी तन्हा रह गए। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मीरापुर विधानसभा सीट पर जयंत के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। अब खेल कर दिया तो मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई, जयंत चौधरी ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग इस सीट को लेकर तेज है, लेकिन जयंत हैं कुछ बोलते नहीं। आखिर ये सीट जयंत चौधरी के लिए ही बीजेपी ने छोड़ी है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आरएलडी एक्टिव इस विधानसभा सीट पर नहीं है? जयंत खामोश क्यों हैं? उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए आखिर बीजेपी और सपा के बीच किस बात को लेकर संग्राम छिड़ा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मीरापुर के रिटर्निंग ऑफिसर सुबोध कुमार को हटाने की मांग है। उन्हें क्यों हटाया जाए, इसको लेकर भी सपा ने बड़ा तर्क दिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरोप लगाया कि मीरापुर के रिटर्निंग ऑफिसर सुबोध कुमार यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के बेहद करीबी हैं और ऐसे में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव होने में संशय है, इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर सुबोध कुमार को हटाया जाना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद कादर राणा की पुत्रवधु सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। पूर्व सांसद कादर राणा ने भी शिकायत की है। कादर राणा ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री और यूपी में राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर के रिटर्निंग ऑफिसर बेहद करीबी रिश्तेदार हैं और ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर के अति करीबी रिश्तेदार होने की वजह से मीरापुर विधानसभा चुनाव प्रभावित होगा। पूर्व सांसद कादर राणा की शिकायत का जिक्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने किया और अपने लेटर हेड पर मुख्य चुनाव आयुक्त शिकायत की। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी गई चिट्ठी में लगाए गए आरोपों को लेकर मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री और यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला, कहा मीरापुर के जिन रिटर्निंग ऑफिसर सुबोध कुमार को मेरा अति करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है, मेरी और उनकी दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं। यह आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने गुज्जरों को अपमान किया और अखिलेश यादव इसके लिए माफी मांगे, मैं गुज्जर हूं और मुझे अपने गुज्जर होने पर गर्व है। लेकिन समाजवादी पार्टी का दोहरा चेहरा सामने आ गया, रिटर्निंग ऑफिसर गुज्जर जाति के हैं तो उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मीरापुर के सियासी रण में यूं तो मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन सपा और बीजेपी के बीच रिटर्निंग ऑफिसर सुबोध कुमार को टारगेट करना बड़ा मुद्दा बना। समाजवादी पार्टी उन्हें मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर का अति करीबी बताकर घेरेगी, जबकि मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर से मेरी रिश्तेदारी साबित कर दिखाएं। सपा जहां इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है, वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री भी इसे गुज्जरों का अपमान बताकर सपा को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे साफ हो जाता कि मीरापुर की रणभूमि में सियासी तपिश अपने तूफान पर रहेगी, लेकिन इस तूफान का असर जयंत चौधरी पर नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों? दरअसल सपा बसपा के बाद अब भाजपा की सहयोगी पार्टी लोक दल ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर। राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर विधानसभा सीट से मिथिलेश पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन देखने वाली बात यह है जिसे आरएलडी ने टिकट दिया अपना प्रत्याशी बनाया वो बीजेपी नेत्री हैं। मिथिलेश पाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन इससे पहले वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में रह चुकी हैं। साल 1995 में बसपा से जिला पंचायत सदस्य बनकर उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। मिथिलेश पाल 2007 में राष्ट्रीय लोकदल से मोरना विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 2012 परिसीमन से पहले मुजफ्फरनगर जनपद में मोरना विधानसभा हुआ करती थी, जो अब मीरापुर विधानसभा का हिस्सा है।